तो स्वागत है आपका जिंगार्ड फैमिली ब्लॉग्स पे। आज है पांचवा दिन, आज है गणपति विसर्जन का दिन। कैसे दिन निकल गए पता ही नहीं चला है ना आज। मतलब रात से ही ना, कल रात से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट दर्द हो रहा है, बहुत एकदम एनर्जी लो लग रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है। बट ये दवाई ववाई लिया है अभी तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। एक तो ऑपरेशन गुलबर्गा में हुआ था, वहाँ पे उनसे कनेक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कैसे तैसे सुबह में वो सारी चीज़ें करके दवाई अम्मू जाके नीचे से लेके आया और फिर वो दवाई मैंने खाई, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है अभी। अभी हम थोड़ी देर में तैयारी करेंगे भोग की, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे एंड उसके बाद में विसर्जन की जो भी तैयारियां होगी वो आप लोग साथ में देखना। आई नो आप लोग बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स देखते होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स के, बहुत सारे व्लॉगर्स के, जिनमें पापा के व्लॉग्स ना बहुत एकदम एनर्जेटिक और बहुत एकदम मज़ेदार होते हैं, बहुत मस्ती मजाक होता है। शायद आपको वो सारी चीज़ें हमारे व्लॉग में नहीं देखने मिली होगी इतनी ज़्यादा, बट क्या ही करें, मतलब तबीयत इतनी ख़राब थी, बट भगवान ने हमें चुना था कि हम उन्हें घर में लाए और उनकी सेवा करें, तो हमने वो सारी चीज़ें की जितना हमसे हो सकता है उतना। तो अगर इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आया होगा तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन जो जैसा हो सकता था ना रियल, वो हमने दिखाने की आपको कोशिश की है। अब म्याओं कुछ खटपुट खटपुट कर रहा है, क्या कर रहा है अभी टोप के पास, क्या की क्या है ये, शी एप्पल है वो, बेवकूफ एप्पल सूंघ रहा है ये, हाँ चल पागल, एप्पल पे नशा कर रहा था जान। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बस पांचवा दिन है आज, पांचवे दिन का भोग लग रहा है, पुलाव बनाया है वो और आरती करते हैं। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार, क्योंकि कैसे देखते देखते पाँच दिन भी हो गए। एक दुख और है कि थर्ड डे का आपको व्लॉग नहीं देखने मिला, कल फोर्थ डे, तो थर्ड और फोर्थ डे का व्लॉग शोना शायद आज अगर कर पाई तो एडिट करके आज डालेगी, बिकॉज क्या है शोना की तबीयत बहुत ज़्यादा फिर से ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब उसको नहीं हो रहा है करने, तो इस वजह से उसने वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी। और कल सत्यनारायण की पूजा थी तो कल बहुत टाइम गया पूजा में, तो कल एडिट नहीं कर पाई दिन में अगेन, तो आज हो सकेगा तो थर्ड और फोर्थ डे का व्लॉग एक साथ आपको देखने मिलेगा 5 तारीख को, आई मीन पाँचवें दिन, एंड पाँचवें दिन का व्लॉग शायद आपको कल देखने मिले। लेट्स सी, शोना एक दो दिन में रिकवर हो जाएगी। बप्पा जा रहे हैं इसलिए जैसे ज़्यादा खुशी थी पहले दूसरे दिन, अब बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे डीमोटिवेशन सा लग रहा है कि बप्पा जा रहे हैं अब क्या होगा, बप्पा थे तो सहारा था, वैसे लग रहा है कि घर से कोई बड़ा जा रहा है अपने, है ना जान, एकदम अजीब लग रहा है अभी। मतलब ये आखिरी आज पांचवे दिन की आरती, अब इसके बाद अगले साल होगी, ये जो भोग लगाया ये अभी आखिरी लगाया है, इसके बाद अगले साल होगा। पापा आते हैं जाते ही इसलिए कि फिर से आए ना अगले साल। बहुत सारी चीजें हमने सीख ली, कैसे क्या करनी है क्या नहीं, है ना, अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया ये साल, तो हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है पापा की चीजों में भी कि क्या कैसे करना है। अब अगले साल से हमें कोई टेंशन नहीं, हमें सब पता है, तो बहुत अच्छे से होगा। मतलब समझिए आज अगर इस बार 1% हुआ है ना, तो नेक्स्ट ईयर 100% होगा, क्योंकि अब पता है ना, तो हम पहले से और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देव जय मंगल मूर्ति, ओम श्री मंगल मूर्ति, देव बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, यहाँ पे होती है दोस्तों हमारी आरती संपन्न पांचवे दिन की। अब शाम को होगा, अब शाम को होगी जब विसर्जन होगी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, घबराहट हो रही यार, चले जाएंगे शाम को। 5 दिन से घर में थे, जो भी गलती हुई हो, जो भी कहा सुने, जो भी कुछ हुआ हो प्रभु माफ करना, शाम को क्या पता माफी मांगने के लिए दिमाग में उतनी शक्ति भी हो या ना हो। शोना को, मेरे म्याओं को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे जान पहचान वालों को, पूरी दुनिया को, हमारे सब्सक्राइबर को, सबको खुश रखो, है ना। तो शोना अभी पूछ रही थी मीठे में क्या बनाऊं आज बप्पा के लिए, आखिरी दिन है, तो पंडित जी ने तो बोला है कि उनको गुड़ चढ़ेगा, गुड़ का भोग लगेगा, मगर अभी सुबह में मीठे के लिए हम कुछ देते हैं, तो वो बोल रही थी कि खीर बना दो या कुछ, खीर बनाओ, शीरा बनाओ, क्या। अरे मैं बोल रहा था मिठाई लेके आता हूँ ना नीचे से, वही लगा दो। बट अगर कोई आया घर पे खाने के लिए, कौन आएगा जान, तुम हो, मैं हूँ, श्रुति है, पंडित जी आएंगे, ज्यादा से ज्यादा आई तो मौसी आएगी आज, बेचारी 4 दिन में 3 दिन आई है वो।
और मेरे को अच्छा ये नहीं लगता ना, वो बेचारी आ रही है तो मिठाई फ्रूट ये वो सब करके आ रही है, लेके आ रही है। तो अभी क्योंकि तुम्हारी हालत खराब है, खड़े होने नहीं हो रहा है, तुम और मीठा बनाने का बोल रहे हो, मिठाई लेके आता हूँ वो रख दो, लड्डू रख देते हैं। अगर कोई ऐसा आया शाम को तुमको ऐसा लग रहा है बनाना चाहिए तो फटाक से बना देना कुछ। गाइस क्या मस्त बनाया यार उपमा, बहुत भगवान की दया से कुक बहुत अच्छे मिल गए हमको। वो भी मसाले ही मांगते हैं ना जान, इसके मसाले उसके, क्योंकि लॉजिक है ना जान, हर चीज का एक मसाला होता है जिससे उस चीज का टेस्ट आता है। जैसे छोले मसाले हो गए, पुलाव मसाला हो गया, अपन क्या है घर की चीजों में घर के मसाले में डालेंगे तो वो पुलाव का टेस्ट नहीं आएगा, वो घर के मसालों का फ्राइड राइस का आएगा। फिर अच्छी लग रही हो, मेरा बच्चा तकलीफ में भी कितनी रौनक है, गणपति बप्पा का आशीर्वाद है मेरे बच्चे को। नहीं नहीं रीवायर योर ब्रेन, देखा ना ब्रेन को रीवायर कैसे करते हैं, कि अगर गुस्सा आ रहा है तो ठंडा हो, काम हो, गुस्सा मत करो। जब ऐसा 10-15 बार करोगे तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप गुस्से में शांत होना सीख जाएगा। वैसे ही दर्द है, तकलीफ है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचोगे ब्रेन सिग्नल देगा कि सब पॉजिटिव हो रहा है तो हील होगी। ठीक है चलो हम नाश्ता करते हैं म्याओं के पोंद के पास बैठ के। सोना को इलेक्ट्रॉल पीना था क्योंकि उसको सुबह से मोशन हुए 3-4 बार, तो मैंने इलेक्ट्रॉल श्रुति को लाने बोला ताकि नीचे नहीं जाना पड़े। बट एट द एंड सोना ने बोला दूध लेके आओ, मेरे को कुछ बना के ही रखना है, मिठाई मत लेके आओ। क्या करूं मैं इस तरीके से, वो बोल रहे मेरा मन नहीं मान रहा है पप्पा को ऐसे भेजने को, मैं कुछ मीठा बना के भेजूंगी। वेरी गुड, पप्पा की श्रद्धा। पप्पा 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 यहाँ पे श्रुति आ गई। ये लड़की श्रुति बोलती है मेरे को मन, मैं बोला ना मिठाई ला के रख देता हूँ, वो बोले मेरा मन नहीं मान रहा, उसको खीर ही बनाना है, तो अभी दूध लेके आया। अरे कुछ तो बनाओ ना अभी। हेलो इलेक्ट्रॉल पियो और काम पे चलिए। इलेक्ट्रॉल पियो और तुम्हारे लिए मेरे पास है चाय। मैं नीचे जाके आया, वो भी स्कूटी से बाहर दूध लेने, बाहर दूध लेने। मैं सोचा घर से नीचे यहाँ बाजू में पार्क किया है। मेरा जोक कर रहे तुम, अरे मतलब मैं नीचे गया, नीचे से स्कूटी लिया, बाहर सामने बिल्डिंग के दुकान है, मतलब क्या था ये, मैं रस्सी से नीचे जाऊंगा। नहीं स्कूटी लेके सामने की दुकान में ही जाना था। अरे वो स्कूटी खड़ी खड़े ना जान, कल क्या हुआ मालूम है, 350 रुपए का खर्चा हो गया। वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, चेक कराया तो चूहे ने पूरा वायर काट दिया था, तो उसने मैकेनिक ने पूरा खोल के वायरिंग किया, ऑयलिंग वगैरह किया, मस्त चल रही है अभी। अभी स्कूटी में सिर्फ बैटरी का लोचा है और वो जो नंबर प्लेट किसी ने तोड़ा था वो, तो मैं बोला मगर चलते रहनी चाहिए ना, अब और कहीं तो जा नहीं रहे, तो बोला चलो राशन की दुकान ही चले जाओ दूध लेने। एक ग्लास दोस्तों इसने तोड़ दिया इसकी जोड़ीदार। अब से घर में कांच के बर्तन लेके आया ना अगर किसी ने, उसी टाइम पे वो बर्तन तोड़ दिया। हमने तुम्हारा दिया था ना बराबर, जो इंसान सिखाता है उसको खुद भी वो चीज करनी चाहिए। कितनी बार बोले थे टिफिन दे देना, मेरी मम्मी चाहिए मेरे को, बोलते टिफिन चाहिए मेरे को, मेरी मम्मी मेरे को बहुत मारेगी। अच्छा तुम्हें कांच से आ रहा है, हम लोग भी अब कांच का नहीं लेंगे। यार दोस्तों बप्पा जाते जाते मोहित कर रहे हैं यार, ये देखो आज हमने छोटा सा माला पहनाया ताकि उनका लुक आए, तो देखो क्या लुक आ रहा है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। अभी तक पूरा ऐसा दिखे नहीं थे बप्पा, बप्पा के चरण वगैरह से लेके हर चीज आज दिख रहे हैं क्योंकि अपन ने माला छोटी पहनाई है। कितना मोहित करोगे बप्पा, आज तो जा रहे हो, नियम कानून है, नहीं तो ये भी बोल सकते थे और 2 दिन रुक जाओ। वी विल मिस यू। सोना मीठा बना रही है बप्पा के लिए, पंडित जी आ जाएंगे 4:15 तक और फिर होगा विसर्जन का कार्यक्रम घर में। चलो जान अभी फिर विसर्जन वाले गाने लगाता हूँ और फिर मुझे रोना आएगा ना, ये बोल रही है रो लो, रोना बुरी बात थोड़ी होती है, अच्छी बात है। कितना अच्छा लग रहा था यार घर, मैं कंट्रोल करूंगा ना, वाला बहुत सारा रहेगा ना। क्या वाला, क्या वाला था, कहना क्या था, क्या बोला था उसको, अपने शरीर में ना वो डॉक्टर ने, वो एक्चुअली तुमको पॉडकास्ट देखना चाहिए, द देबिना बॉनर्जी शो में वो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर नहीं लाइफ कोच है वो, उसने बताया कि ऐसे अपने जितने भी केमिकल्स होते हैं ना उनको कैसे विन कर सकते हैं, अपने ब्रेन को रीवायर कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे जिनको बहुत गुस्सा आता है वो अगर गुस्सा कंट्रोल करें तो अपने आप वो ब्रेन को आदत लग जाएगी गुस्सा कंट्रोल करने की,
ऐसा नहीं है, मतलब वो बोल रही थी ब्रेन ना अपन के मरने तक भी ब्रेन यंग रहता है, ब्रेन सीखते रहता है और ब्रेन को चेंज किया जा सकता है। वो एक केमिकल था जो वो बोला था कि मतलब वो केमिकल जिनके अंदर ज्यादा होता है ना वो लोग सबकी हेल्प करते हैं और उनको बहुत खुशी होती है सबके हेल्प करने में। तो वो शोना बोल रही है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा होगा। अपने को अगले साल गणपति पप्पा को फिर से लाना है, अपना ध्यान रखना। विसर्जन सॉन्ग टाइम था बचपन में, विसर्जन के दिन विसर्जन के गाने सुनते थे और खुश होते थे, दर्शन के लिए जाते थे। आज एक टाइम है कि बप्पा हमारे घर आए हैं, आई एम सो हैप्पी यार। तो पंडित आ चुके हैं, विसर्जन का टाइम हो गया। मैंने चाय रखी है पंडित जी के लिए, राइस की खीर बनाई है। दोस्तों वो घड़ी आ गई है जब विसर्जन होगा और पंडित जी आ गए हैं। अभी ये ड्रम में हमने पानी रखा है, इसी में विसर्जन करेंगे घर में। मैंने शोना को बोला उस पर एक स्वास्तिक बना दो ताकि शुभ हो जाए। थैंक यू पप्पा 5 दिन हमें मौका देने के लिए और हमारे घर आने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पोहा और दूध दोनों मिला के रख दिया है भगवान जी को साथ भेजने के लिए, उनका टिफिन है। वैसे तो कई सारे लोग कई अलग अलग तरीके के भोजन बनाते हैं और फिर वो भगवान जी के साथ भेजते हैं। बस अजीब सा फील हो रहा है, जैसे वो होता है ना एग्जाम के टाइम पे अजीब सा फील होता है, वैसे टाइप की फीलिंग आ रही है। कुछ जास्ता मोटा ना अंदर बट ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ तो श्रुति को हमने भेजा था केले का पत्ता लेने और उसे ये एक फूल दिखा तो पप्पा के लिए वो लेके आए। चलो अब सत्यनारायण भगवान की करके आरती, विसर्जन के लिए पप्पा रेडी हैं। आपको लगता है फीलिंग आ गई है कि पप्पा जा रहे हैं, सब सूंघ रहा है, सब देख रहा है क्या चल रहा है क्या, इतना एक्टिव है, नहीं तो नॉर्मली पड़े रहता है साइड में। हमारी जान है वो पंडित जी, 13-14 साल से हमारा घर का सदस्य है। आरती का समय हो गया दोस्तों, अभी ओम भवानी सहितम नमान म्याओ मूर्ति की रक्षा कर रहा है। चलो म्याओ गणपति बप्पा मोरया, विसर्जन करना है अभी अपने को। ये पूरे 5 दिन में 2 या 3 बार ही गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डेली जाता हो। पहले दिन गया था, फिर सत्यनारायण पूजा वाले दिन गया और आज गया, मतलब तीनों इम्पोर्टेंट दिन। जल्दी जल्दी सब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। साले नीचे उतर गणपति पापा जा रहे, तो तू खुद राज करना चाहता है पूरे घर पे, चलने वाला नहीं है तेरा। तो सफर पे जा रहे हैं ना, तो उनको खाना बांट के खाना बांट पा, खाना प्लीज खा लेना ठीक है, अपनी कृपा बनाए रखना ताकि अगली बार बहुत सारे टिफिन में आपको दूं। पंडित जी ने बोला था नारियल फोड़ के और फिर विसर्जन करना। अभी जमीन पे इधर ये रेंट का घर है, पता नहीं कैसा है क्या है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बोले थे ना पानी गिरना था। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों अम्मू ने बिल्कुल वेट भी नहीं किया, हम इधर बात कर रहे हैं और ये विश मांगना स्टार्ट भी कर चुका है। ओ माय गॉड, कितने तुम वो थे, इतना बड़ा विश मांगा है जान। ओहो शिट, भगवान का कोई भी काम शुभ होता है, मांगो बिंदास। श्रुति योर टर्न। हाँ ये वाला। अरे म्याऊ विश मांग ले, नहीं तो बात चली जाएगी ना। ऐसे नहीं हो पप्पा, सब की सुनते हैं। तुम वापस से मांग लो। सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बातें। सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब आराम से कान में ईयरफोन डाल के सुनूंगी किसकी क्या विश है। अरे अरे पूरे तुम्हारे आंतड़े हिल रहे जान। ये देखो कितना इसका मुंह हिल रहा है दोस्तों। सॉरी इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गणपति पप्पा तुम दोनों की विश पूरी कर ले। मोरिया पुढच्या वर्षी लवकर या प्लीज। आशु आ रही है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ वरना अभी विसर्जन हो जाता। पप्पा ऐसे ही हमें साथ रखो, ऐसे ही हम सबको खुश रखो और बस थोड़ी सी हेल्प दो। अगर गणपति
फेस्टिवल देखना है तो मुंबई आओ, महाराष्ट्र में आओ। अच्छा सुनो, अभी ले लो जा। सच में जा रहे हो क्या? हाँ, रुकने का मन नहीं है, बोलो। एकदम रेडी है, देखो ना दरवाजे पे खड़े एकदम, टिफिन वगैरह लेके एकदम रेडी खड़े हैं। दोस्तों शानी बोलती है, मैं सोची आशू का वेट कर रहे हैं, वो आने के बाद फ्रेश फ्रेश मांग के भेजूंगी तो उनको याद रहेगा। बोले रुको मुझे सोचने दो क्या मांगना, क्या मांगना। भगवान ने सब कुछ दिया, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या पहले तो पहले कौन सा बोलूं ताकि वो फटाक से पहले सुन ले। देखो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते जब कोई भगवान से बात करे ना, ऐसे शांत रहते, ठीक है? सीखो झिंगाट गर्ल, बड़ी झिंगाट गर्ल बनती थी। तो तुम, मैं अगर तुम लोग को डिस्टर्ब करी तो तुम लोग को अपना वो स्थिरता रखनी चाहिए। कर देना झिंगाट गर्ल वाली बात, तुम लोग को जो मांगना है उसमें। मेरी क्यों सुन रहे हो? आजू बाजू वाले, मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि ऐसे देखो आजू बाजू वाले तुम लोग को बोलते रहेंगे, तुम लोग को अपना ध्यान रखना। सही बात है, फोकस रहो। बप्पा को घर जाना है, किधर है आशु? अपन विसर्जन करेंगे लड्डू, ये गणपति बप्पा मोरिया। तो बप्पा वेट कर रहे थे तुम्हारा, बप्पा का विसर्जन के लिए हम वेट कर रहे हैं। कान में विश मांग लो, एक एक कान ढाको दूसरे से मांग लो। ये गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, पुढच्या वर्षी लवकरिया। गए बप्पा, बप्पा गए बापू। ढूंढ ले बप्पा को, बेटा फूल, बेटा फूल छा। गए बापू, अंदर है बप्पा। कैसे देख रहा है बच्चा मेरा, कितना वो लग रहा है यार, एकदम खाली हो गया एकदम से। कितना जल्दी गया पता ही नहीं चला कि पानी हो गया। छोड़ दो, गए वो पुलाव, टिफिन खा लेना पापा। ऐसा मन कर रहा है रोल एकदम जोर जोर से, मैं जाने दो खुशी खुशी करने का, है ना? पानी है ना, बच्चे लोग ऐसे भी खेलते हैं। शांत हो गया एकदम अचानक से, ऐसे लग रहा है ना यार। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सत्यनारायण पूजा की थी, वो सारी चीजें निकल रही है। वो वाला जो है नारियल वो अपन यहाँ पे लगाएंगे, बाकी एक तो पंडित जी लेके चले गए और एक हमने एक फोड़ दिया। हाँ अरे बाप रे, शिट हो गया ना, इको फ्रेंडली का ये फायदा होता है। देखो दोस्तों कैसे बुलबुले हो रहे हैं यार। बाय बापा, जल्दी आना वापस। दोस्तों मिट्टी की फिर निकाल के आरती होती है, तो मिट्टी निकाले ठीक है ना, इतने यहाँ बीच में सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी सिंदूराची, कंठी झड़के मार मुक्ता पाराची, जय देव जय देव ये साल की आखिरी आरती है। भगवान आपको खुश रखे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको ढेर सारा प्यार दे, और यहीं पे हमारा गणपति का 5 दिन कंप्लीट होता है और बाबा भी चले गए वापस आने के लिए। तो ढेर सारी खुशियां आप लोगों के भी जीवन में। गणपति बप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। सारा कुछ निपट गया दोस्तों, टेबल भी जो है एक इधर आ गया एक उधर है, लेट नाइट निकाल देंगे इसको। पूरा सोना सोना हो गया है, पूरी जगह खाली हो गई ऐसा लग रहा है।
हड़प्पा की मूर्ति इतनी छोटी थी मगर ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी जगह लेकर के नहीं डेकोरेशन नहीं मतलब वही है कि बप्पा आप छोटे मोटे नहीं है हाँ। कितना एकदम एकदम ऐसा लग रहा है पूरा घर खाली हो गया मतलब एम्प्टी लग रहा है। फाइनली डेकोरेशन निकल गया यस और पीताम्बरी से वो मैं दूंगी मेरा जान कब से यहाँ पे बर्तन घस रहा है हमारा क्यूटी पार्ट वापस आ रहे थे उसके पास अभी उसको म्याओं ने मस्त धमकी दिया है